नाजिन सखर में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वुमेन हॉकी टूर्नामेंट मुनक़द थो जैमें मुख्तलिफ़ शहर में आयल वुमेन हॉकी टीम हिस्सों वरतो तफसील दिसूँ था इन रिपोर्ट में। सिंध के रांदन ए नौजवान के मामलन वाली वजारत ए डिविजनल हॉकी वुमेन विंग के गडल सहकार से कराल पहरी बेनज़ीर भुट्टो वुमेन हॉकी गोल्ड कप जो फाइनल कराची खटे वरतो। कराची ए सखर के विच में थींदड़ आम मैच में बिनी टीम के रांदीगरन पूरो जोश लगायो। मैच दौरान ग्राउंड में सनसनी फैलियल रही, कदें सखर के हामिन जो जोश ए शोर, कदें कराची के सपोर्टर जो जोश। मैच के आखिरी क्वार्टर में कराची की टीम सखर खिलाफ बत्तरी हासिल कर वरती। आखिर में कराची की टीम बेहतरीन रांद पेश कंदे टे दहाई बुड़ी जरिए फाइनल खटे वरतो। मैच का पोए मेहमान खास सखर के अगूणे मेयर असलान इस्लाम शेख गजल आफ्ताब ए रिनर्स के ट्रॉफियों डिन वो। मेहमान चयो तो असा सैयद शहला रजा ए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जा शुक्रगुजार आयूं। उन मौके ते डिविजनल हॉकी एसोसिएशन कराची जो जनरल सेक्रेटरी हैदर अली, डिस्ट्रिक्ट हॉकी एसोसिएशन सखर जो सदर आरिफ महमूद, डिविजनल वुमेन हॉकी विंग जो सदर सायरा भट्टी, मोहम्मद इमरान, रियाज हुसैन, मेमन फजीला भट्टी ए बिया पिण मौजूद हुआ। उन मौके ते अगूणे मेयर सखर असलान इस्लाम शेख, पीपी अगवान गजाल आफ्ताब, हॉकी फेडरेशन कराची डिवीजन के जनरल सेक्रेटरी हैदर अली, सायरा भट्टी, फजीला भट्टी, रजवाना चाचड़ ए बियन मेहरान टीवी से गालाइंदे चयो त बात है कि हमारे सखर में इतना अच्छा इवेंट हो रहा है, इसके अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध का स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है उनके मिनिस्टर जो है मोहम्मद बशमार साहब, सेक्रेटरी इम्तियाज साहब, उनको भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। और सबसे खुशी की बात यह कि जो हमारी बहनें वो खेल रही हैं और बड़ी ज़्यादा ऑडियंस यहाँ पे मौजूद है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जा रहा है और प्लस जो कराची की टीम है उसका फाइनल सखर के साथ है तो मैं भी यहाँ मौजूद हूँ। फाइनल देखा, बड़ा मज़ा आया, तो अल्लाह ने चाहा तो उस तरह की जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, स्पोर्ट एक्टिविटीज़ हैं, इनको मज़ूद प्रमोट किया जाएगा और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको खासकर इस चीज़ का क्रेडिट जाता है कि इतना अच्छा प्रोग्राम इंगेज किया और मैनेज किया। और खुर्शीद शाह साहब और एमएनए नुमान इस्लाम शेख का नाम लेना ज़रूरी मैं समझूंगा क्योंकि उनकी काविशों से ये ग्राउंड बना और आज ये बच्चे खेल रहे हैं। मुझा भा पे तो अज इतने आई आए मिस थी क्या पी तो शायद सत ढीं इतने हलो है न ये इवेंट सत ढीं हलो है अस थोराता आयो अदी शैला रजा जहा तो आया इतने ओपनिंग सेरेमनी में हुई एप्रिशिएट करे वे आए प्रोग्राम जो है बटे ढी लगातार उन्हें सरपरस्ती में हलो न तो हैरान थी वही आया इंतजामिया इतना की इंतजामिया में लेडीज मेजॉरिटी में आन मेल घट आन उनको इन प्रोग्राम लाए जो कुछ कयो तो मां हैरान थी वही आया कें भी लिहाज का ये घट ना है न इस्लामाबाद का न कराची का। पेरो त मां ताई बुधा त पांजे बारे में त मां असिस्टेंट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हुया मैं इवेंट में आए इवेंट 27 तारीख को स्टार्ट थियो आए जे 31 तारीख आज अस इन जी क्लोजिंग सेरेमनी कयो पया त इन इवेंट के मां दा इन तरीके सा रिसा थी त सब को पेरो मैडम शहला रजा जी सरपरस्ती में सखर में या सिंध में मां चवा त कैश प्राइज टीम्स जे लाए जो अनाउंस कयो हो ओ मैडम शैला रजा जी जो आना सरपरस्ती में यो ऐलान कयो गयो है इन ठीक है तो सब को पेरो मा शुक्रगुजार आया मैडम शैला रजा जी जिन्हें असा के सपोर्ट कयो पो मा शुक्रिया अदा कंदम ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोखर साहब जिके प्रेसिडेंट आयन पीएचएफ जा उनन जो तमाम घणो शुक्रिया अदा कंदम तो हुनन भी 25,000 रुपया पर टीम के लिए कैश प्राइज ऐलान कयो है। उनको अलावा उनन जी जो आना जेके बुधायल गाइडलाइंस आयन उनते असा कम क्यों पया ग्रास रूट लेवल जी हॉकी ते कम क्यों पया मां जिक्र कंदम इतने आसिफ बाजवा साहब जो जेके सेक्रेटरी पीएचएफ आयन इन वक्त वो आया ओपनिंग सेरेमनी में। उनको अलावा मंजूर जूनियर साहब आया, ख्वाजा जुनेद साहब आया, नासिर साहब आया, मंजूर जूनियर जेके हैं हेड कोच भी आया इन वक्त पाकिस्तान टीम जा वो आया उन अची असांजी हौसला अफजाई कई इन इवेंट के सरायो इन इवेंट के एतरो सरायो जो असा इतने सखरी जेका ऑर्गेनाइजिंग कमेटी आए उन को डबल मेहनत करे इन इवेंट के कामयाब बनाए अज तां जे सामू इनकी क्लोजिंग सेरेमनी रखी है। वेल कराची की टीम बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंस रही है, ये बात नहीं है कि हमारे सखर की परफॉर्मेंस गुड नहीं थी, हमारे सखर ने भी उनको टफ टाइम दिया और उम्मीद यही है कि आइंदा जितने भी हमारी टूर्नामेंट्स होंगे और इन्हीं में से जो हमारे प्लेयर थे इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा आल पाकिस्तान होगा बेनज़ीर भुट्टो से ईद तक वो इंशाल्लाह सखर फाइनली में आएगा और फाइनल को जीत के ट्रॉफी अपने पास ही रखेगा। मैडम शैला रजा का हॉकी में बहुत अहम किरदार है, वो हमारे बैकबोन की तरह हमें सपोर्ट कर रही है, वुमेन स्पेशली वो वुमेंस के लिए बहुत सारा काम कर रही हैं और इंशाल्लाह आइंदा जो जितने भी हमारे हॉकी के इवेंट्स होंगे उनके बलबूते पर उनकी गामसान की जद में आके हम उनके हॉकी को और प्रमोट करेंगे।
बहुत अच्छा लगा हमें, क्योंकि हम इससे पहले भी आते थे और सफर में जिस तरह से डेवलपमेंट हुई है हॉकी को लेकर, बहुत यंग प्लेयर्स भी इसमें पार्टिसिपेट करा है, जो मिशेला रजा को मैं अप्रिशिएट करती हूँ। और मैं कहती हूँ इस तरह के और ये गर्ल्स के इवेंट में आएँ, उनके आने से गर्ल्स में बहुत इंकरेजमेंट होती है। गर्ल्स जब देखती हैं कि इतना हमारे एक लीडर हम लोग को लीड कर रही है और हमें टाइम दे रही है, तो बच्चियाँ भी खुशी खुशी पार्टिसिपेट करती हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं ऐसा कोई प्रेशर नहीं था हम लोगों पर, लेकिन एफर्ट बहुत ज़्यादा अच्छी करी सखर टीम ने। तो हम लोग की टीम, क्योंकि हम लोग कराची से खेल रहे हैं, टीम में हमारी यूनिटी थी, पासिंग थी, स्ट्रेटजी हमारी बहुत स्ट्रांग थी, तो सब ने बहुत मिलकर खेला है। लेकिन ये सखर ने ओवरऑल मतलब बहुत अच्छी एफर्ट करी, थैंक्स टू अल्लाह कि हम यहाँ पर आए। और बहुत बड़ी बात है कि कराची टीम ने इस टूर्नामेंट पार्टिसिपेट किया और इस टूर्नामेंट को विन किया, और मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी कि मैंने दो गोल करे बायलाग फाइनल में भी, और टीम ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और सारी टीम्स ने ओवरऑल बहुत अच्छा खेला, बहुत टफ टाइम दिया। लेकिन ये तो गेम का रूल है, एक हारता एक जीता, तो इसमें कोई डिसाइड होने वाली बात नहीं। तो इंशाल्लाह आगे भी पार्टिसिपेट करेंगे और ऐसे जीत। कैमरामैन जानी भट्टिया संगत इनायत भट्टी मेरा।